नमस्ते, सिला के रसोई में आपका स्वागत है। आज चलिए आसान तरीका से गांव में मिट्टी के चूल्हा पर मछली बनाते हैं। रेहू मछली है, मछली को साफ कर लिए। इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्चा का पाउडर मिक्स करके, और यहाँ गैस तो नहीं जलाए हैं, लकड़ी पर बनाएंगे। इसके लिए लकड़ी जला दिए हैं और उस पर कढ़ाई जो है डाल दिए हैं। सरसों तेल डाल करके एक एक करके सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ग्रेवी के लिए मसाला तैयार किए हैं। पहले मछली अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मसाला में सरसों, लहसुन, काला मिर्च, जीरा, धनिया के पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चा का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार सब मसाला तैयार करके रख लिए। और मेरे यहाँ, मेरे गांव में इसी तरह मछली बनाते हैं। जब भी गैस पर नहीं बनाते हैं, चूल्हा पर ही बनाते हैं। इस तरह से सारा मछली हमने फ्राई किया। चारों तरफ से आग निकलती रहती है, अच्छा लगता है। इस तरह से लकड़ी पर मछली बनाना या कोई भी खाना बनाने में, इसी में आपको स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। कभी आप भी अपने गांव जाते हैं तो आप इस तरह से चूल्हा पर मछली या कुछ सब्जी बनाकर खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। जो लकड़ी है उस पर जो आप बनाते हैं खाना, तो उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। गैस से बनाते हैं और चूल्हा पर बनाते, दोनों में बहुत आकाश पताल का फर्क रहता है, बहुत टेस्टी तैयार होता है। और आप लोगों को पता है कि अभी हम गांव में हैं, तो जब भी लगता है कि कुछ वीडियो बनाना चाहिए तो बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं। और हमारे यहाँ रात में ही बनता है, मतलब हमारे यहाँ नहीं, सब जगह बनता है, लेकिन रात में ही हमारा वीडियो बनता है। जब लगता है कि कोई अब नहीं है घर में तो बनाते हैं, क्योंकि गांव है, चारों तरफ से हल्ला होते रहता है, चिल्लाते रहते हैं बच्चे लोग, तो बनाने में दिक्कत होती है। वीडियो मछली फ्राई कर लिए और तेल में, उसी तेल में तेजपत्ता डाल दिए, कस्तूरी मेथी भी है, लाल मिर्चा भी है, और ये मसाला जो है लहसुन, वो तो हम बता दिए पेस्ट सब, लेकिन लहसुन का पेस्ट है, लहसुन है इसमें, प्याज, अदरक, काला मिर्च सब एक साथ मिक्स करके। और ये जो है सरसों का सरसों है, फिर धनिया पत्ता, टमाटर सब, जो हमारे तो चैनल पर पहले से भी मछली का वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन चूल्हा पर बना है इसलिए सोचे कि चलिए आप लोगों को दिखाएं। सब मसाला को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें भूनना है मसाला को, और जब मछली बन जाए तो आप भात के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। इधर मसाला पक रहा है। इधर हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारा बर्तन जो है वो, मतलब भेज वाली रहती है, नॉन भेज वाली नहीं रहती है। तो हमारे यहाँ क्या है, मसाला तो इधर भूंज रहा है। अगर फ्राई मछली खाना है तो देखिए हमारे यहाँ किस तरह से ये लोग मछली खाते हैं। नीचे में बैठ गए हैं, इधर भात भी बन रहा है, नीचे बैठ गए हैं, पेपर बिछा दिए हैं, उसी पर मछली डाल दी। ये हमारे परिवार है छोटा सा, और सब इसी तरह से मछली खाते हैं। अगर आप गांव में मछली बनाते हैं तो बर्तन हम लोग के पास नहीं होता। देखिए कितना छोटा बच्चा है, वो भी मछली खा रहे हैं। अभी हम ससुराल में आए हुए हैं, इस ससुराल का छोटा सा परिवार है मेरा। इस तरह से लोग मछली जो है नीचे में भी पेपर बिछा करके उस पर रख करके खा लेते हैं। और इधर जो हमारी मछली है वो ग्रेवी जो है, वो मसाला पूरा भुना गया, अब इसमें पानी जो है उसको ऐड कर देते हैं।
देखिए किस तरह से लकड़ी को मिलाना पड़ता है, पूरा अच्छी तरह से मछली पक जाए, मसाला पक जाए, मछली नहीं मसाला जो है मेरा भुना गया है। अब इसमें पानी जो है जितना ग्रेवी बनाना है, कितने लोग के लिए बनाना है, उसी हिसाब से आप पानी इसमें डाल दीजिए। कम से कम 5 से 7 मिनट पक गया ग्रेवी। अब इसमें एक एक करके मछली का पीस डाल देते हैं, मछली के साथ साथ धनिया का पत्ता है वो ढेर सारा धनिया पत्ता डाल देते हैं। धनिया पत्ता टेस्टी होता है, उसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। और मेरा मछली इस तरह से पक चुका है, अब एकदम मछली खाइए। अच्छा, ये आग से क्यों दाग रहे हैं? जब मछली हमारे यहाँ बनता है, अब बहुत आदमी देख लेते हैं तो हमारे सासू माँ कहते हैं कि नज़र लग गया मछली में, तो इस तरह से आग से वो लोग दाग देते हैं तो कहते हैं कि ठीक होता है, इसीलिए हम भी ऐसा ही करते हैं। ये छोटा सा टुटका है,